जापानीज लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स को इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों जापानीज लैंग्वेज को हिंदी में सीखना ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट होता है, बजाय इसके कि हम इंग्लिश में ग्रामर या पैटर्न्स को समझें और काइवा में अप्लाई करते हुए डरें क्योंकि उन एक्सप्रेशंस को हम सही सही गहराई तक याद ही नहीं कर पाए। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। मैंने लगभग 7 साल जापान और इंडिया में जापानीज लैंग्वेज में जॉब करी है, 5 साल से भी ज़्यादा इंडिया में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाई है और अपने सारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स से ये बात समझाऊंगा। उन जापानीज लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर करके देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में सीख के देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आपको जापानीज लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए या अगर आप शुरू कर चुके हैं तो कंटिन्यू करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुई देनी। ये एक इंटरमीडिएट जापानीज का एक्सप्रेशन है और इसका मतलब होता है, चलिए पहले इंग्लिश में देखते हैं इसका क्या मतलब आता है। इसका मतलब होता है इंसिडेंटली, टेकिंग दी अपॉर्चुनिटी, वाइल यू आर एट इट, ऑन द ओकेजन। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं समझ आया लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी से काम चलाते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में अभी जापानीज को सीख रहे हैं और इसका हमने एग्जाम्पल देखा, काइमोनो नो त्सुई देनी तेगामियो दाश्ते कुरु। तो अब हम ये तो जानते हैं तेगामियो दाश्ते कुरु का मतलब है कि लेटर पोस्ट करके आ रहा हूँ और काइमोनो का भी मतलब है शॉपिंग। तो नो त्सुई देनी को हम इंग्लिश में एक बार फिट करके देखते हैं। तो शॉपिंग, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, इंसिडेंटली भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा समझ नहीं आया। वाइल यू आर एट इट थोड़ा बहुत फिट हो रहा है। तो मीनिंग क्या निकला इसका, एक और ट्रांसलेशन था हमारे पास, ऑन द ओकेजन, तो ये थोड़ा सा फिट हो रहा है। शॉपिंग ऑन द ओकेजन, तेगामियो दाश्ते कुरु मतलब मैं लेटर पोस्ट करके आ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत हमें समझ आया कि वाइल डूइंग शॉपिंग आई पोस्ट द लेटर, ठीक है। लेकिन अब हम इसको हिंदी में अगर याद कर लें सिंपल एक वर्ड से, जो कि है लगे हाथ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लगे हाथ। तो अब इसको फिट करके देखते हैं कि शॉपिंग लगे हाथ, तेगामियो दाश्ते कुरु मतलब लेटर पोस्ट करके आ रहा हूँ। तब तो हमें पूरी तरह से समझ आ गया कि शॉपिंग के साथ साथ मैं लगे हाथ लेटर भी पोस्ट कराऊंगा। तो ये एकदम एक्यूरेट हमें मीनिंग दे रहा है सुई देनी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक फटाफट से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तेशिमाऊ। ये तो बहुत ही बेसिक का एक्सप्रेशन है, बेसिक जापानीज लैंग्वेज सीखते हुए बच्चे इसको सीखते हैं। तो पहले हम तेशिमाऊ को इंग्लिश में सीखने की कोशिश करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन आती है टू फिनिश, एंडिंग अप, टू पुट एन एंड टू, टू ब्रिंग टू अ क्लोज। तो ज़्यादा अभी भी हमें कुछ समझ नहीं आया लेकिन इतना समझ आया कि ये कुछ एंड करने की बात कर रहा है। तो अब हमने एग्जाम्पल्स देखे, जैसे ताबेते शिमाऊ, मीते शिमाता, याते शिमाता। तो इसको हम फिट अगर करें, जैसे ताबे मास होता है खाना, तो टू फिनिश ईटिंग या एंडिंग अप ईटिंग, तो इन दोनों में से चूज करने में पहले हमें मुश्किल आया। फिर हमने देखा कि टू पुट एन एंड टू या टू ब्रिंग टू अ क्लोज भी इसका मतलब होता है, तो हमने उसको फिट करके देखा। तो हमने देखा कि इसका मीनिंग निकल रहा है टू पुट एन एंड टू ईटिंग या टू ब्रिंग क्लोज या एंडिंग अप ईटिंग या टू फिनिश ईटिंग। तो देखिए इसमें एंडिंग अप ईटिंग फिर भी काफ़ी क्लोज है, फिर भी काफ़ी सही मतलब है, लेकिन टू फिनिश ईटिंग बिल्कुल ही अलग मतलब है। अब इसका असली मतलब देखते हैं हिंदी में, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैंने ये कर डाला, यानी कि हमें थोड़ा सा रिग्रेट भी है और हम कहना चाहते हैं कि अब तो ये हो गया। जैसे ताबेते शिमाऊ को हम कह सकते हैं मैंने खा डाला, याते शिमाऊ को हम बोल सकते हैं मैंने कर डाला, यानी कि थोड़ा सा रिग्रेट है कि नहीं करना चाहिए था फिर भी मैंने कर डाला। तो देखिए इंग्लिश में पहली बात हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हुआ और अगर हम फिनिश ईटिंग वाला एक्सप्रेशन लेते तो इसमें हमें गलत मीनिंग भी निकल सकता था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हिंदी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है जापानीज लैंग्वेज और ये फॉर्चुनेट है उन लोगों के लिए जिनकी हिंदी मातृभाषा है, मदर टंग है। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, मुझे इंग्लिश और जापानीज भी आती है, लेकिन हिंदी में जो चीज़ हिटिंग मीनिंग मैं समझ सकता हूँ या वो बच्चे जो हिंदी जानते हैं जो जापानीज सीख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा एक्यूरेट जापानीज जल्दी सीख सकते हैं। एक और फटाफट से मैं एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अगला एग्जाम्पल है नो अमारी। ध्यान दीजिए अमारी और नो अमारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अमारी का मतलब तो बेसिक में आपने सीखा होगा, नो अमारी का मतलब होता है, पहले इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में इसका मीनिंग है सो मच समथिंग एज टू, ओवरवेल्म्ड, कैरीड अवे बिकॉज ऑफ टू मच। तो पहली बात तो ये वर्ड्स हमें ज़्यादा समझ नहीं आए, मैं इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओवरवेल्म्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रेशराइज्ड हो गया हूँ मैं, कैरीड अवे हो गया हूँ मैं, या बिकॉज ऑफ टू मच इसके बहुत ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चलो हमें समझ आ गया। अब हम इनको फिट करके देखते हैं। एक एग्जांपल आता है कानाशी मीनो अमारी नामिदागा देता।
तो अब अगर इंग्लिश में हमने देखा कानाशिमी का मतलब होता है सौरो या दुख, और नामिदा का मतलब होता है टीयर्स। तो हिंदी में अगर नो अमारी को ट्रांसलेट किया जाए तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं के मारे, जैसे डर के मारे, खुशी के मारे, दुख के मारे, चिंता के मारे, तो नो अमारी बिल्कुल हिंदी वाला जो के मारे है वो फिट हो रहा है यहाँ पे। कानाशिमी नो अमारी नामिदा का देता, यानी दुख के मारे उसके आंसू निकल आए। जैसे शिम्पाई नो अमारी, चिंता के मारे, क्योफू नो अमारी, डर के मारे। तो इस तरह से हिंदी में अगर हम नो अमारी को ट्रांसलेट करके सीख पाएँ, और अपनी काइवा में जब हम जापनीज लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, तो अब काइवा हम देखिए जो बच्चे ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश से पहले जापनीज का एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो इसलिए काइवा जो है वो उनकी बहुत स्लो रहती है, और वो बार बार कोशिश करते हैं कोई ऐसा कोर्स मिले जो हम काइवा सिखा दें हमें, मतलब काइवा उनको ऐसा लगता है कि कोई एक नई टेक्निक है जो कोई मुझे कुछ सिखा देगा तो मैं कर, जबकि एक प्रोसेस है। काइवा जो है आपको एक सही ढंग से अगर आप करेंगे, हिंदी से ट्रांसलेट करने की कोशिश करके करेंगे, तो जापनीज लैंग्वेज क्योंकि बहुत मिलती जुलती है तो आपकी काइवा भी बहुत तेज़ होगी। यही मेरा बस पॉइंट है कहने का। हालांकि ऐसे बहुत बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, जो लोग जापनीज लैंग्वेज पढ़ते हैं उनको ये बात ऑलरेडी मालूम होगी, ये बात फील कर रहे होंगे, उनको ये बात कनेक्ट हो रही होगी जो मैं बोलना चाहता हूँ। और बेसिकली स्टूडेंट्स की गलती भी नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जैसे किसी ने जापनीज लैंग्वेज को स्टार्ट किया तो स्टडी मटेरियल्स ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं, मतलब उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होती है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में होती है। मैं जानता हूँ एक बुक है मिन्ना करके से स्टार्ट होती है, मैं नाम ले लूँगा पूरा उसका। उस बुक को जब लोग यूज़ करते हैं तो उनको लगता है इतनी अच्छी तरह से जापनीज लैंग्वेज का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा ऑपरेशन किया हुआ है उन्होंने एक एक चीज़ का, एक एक वर्ड का, कि वाह ये तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी तरह समझा रही है, लेकिन जापनीज लैंग्वेज बोलनी नहीं आती फिर भी उनको। उन्होंने सारी एक्सप्लेनेशन सुन ली, सब कुछ ग्रैस्प कर लिया, पूरा उनको ऑपरेशन करना आ गया, 2+2 = 4, 4+4 = 8, ये सब करना आ गया, लेकिन जापनीज लैंग्वेज आज तक नहीं आई, जिसका मेन कारण यही होता है जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हमें कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो टोटली हिंदी में सब कुछ हमें एक्सप्लेन करे शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि हम शुरू से ही अपना सही वे अप्लाई कर पाएँ जापनीज लैंग्वेज को सीखने के लिए, और जल्दी से जल्दी जैसे 6 महीने या फिर 1 साल में ही एडवांस तक पहुँच पाएँ, तो वो है nihongomax.com। अब आपको ये लगेगा कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट की, तो जी हाँ मैं वही कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। nihongomax.com पर आप जापनीज लैंग्वेज को N5 से लेकर N1 तक, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एंड तक, चाहे वो बिजनेस जापनीज हो, चाहे वो JLPT की जापनीज हो, हाई लेवल इंटरव्यू जापनीज हो, दोकाई किस तरह से बनी है, कांजी से कैसे वोकेबलरी बनी है, वोकेबलरी से कैसे सेंटेंसेस बने हैं, सेंटेंसेस से कैसे पैसेज बने हैं, पैसेज से कैसे चोकाई बनी होती है, ग्रामर क्या होती है, उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, सब कुछ हिंदी में एक स्टेप वाइज मैनर में सिखाया गया है। और जापनीज लैंग्वेज को बुक से सीखना और nihongomax.com से सीखना क्या होता है, आप अगर स्टार्टिंग की ही क्लासेस को टेस्ट करके देखेंगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा। तो आज ही देखिए nihongomax.com। थैंक यू सो मच।